दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जामिया मिल्लिया इस्लामिया के कुछ और एंट्रेंस एग्ज़ाम के रिजल्ट्स के बारे में, उसकी एडमिशन डेट क्या है और कट ऑफ क्या क्या गई है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम आ गए हैं रिजल्ट वाले पेज पर। यहाँ से हमने सेशन सेलेक्ट किया और अपना कोर्स हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मास्टर्स कोर्स के बारे में। तो यहाँ पर MFA आर्ट हिस्ट्री कोड नंबर M44 का जो कोर्स था, उस कोर्स में जो इंटरव्यू होने हैं उसकी लिस्ट आ गई है। ठीक है, यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं क्या इंटरव्यू की लिस्ट आई है। इसको हमने PDF फॉर्मेट में डाउनलोडिंग के लिए लगा दिया है और ये डाउनलोड हो गया है। ये देखिए यहाँ पर आपका जो ये कोर्स है इसके इंटरव्यू 30 जुलाई को होंगे, सीरियल नंबर 1 से 41 तक, सुबह 11 बजे, डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट हिस्ट्री एंड आर्ट एप्रिसिएशन में। डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं, अपने सभी डॉक्यूमेंट लेकर जाएंगे अब, ओरिजिनल और सेल्फ अटेस्टेड। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बताया गया है सबमिशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फॉर वेरिफिकेशन इन द कंसर्न डिपार्टमेंट लेटेस्ट बाय September 15। 15 सितंबर तक अगर आपका रिजल्ट नहीं आया तो सबमिट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर सिलेक्टेड कैंडिडेट के रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर जो इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्टेड किए गए हैं उनका यहाँ पर लिस्ट मेंशन हुई भी मिल जाएगी। बढ़ते हैं अपने अगले कोर्स की तरफ जिसका नाम है MFA ग्राफिक आर्ट। ये M43 वाला कोर्स है, इसके ऊपर वाला कोई कोर्स है। इसको हमने सर्च किया तो यहाँ पे देखिए M43 की जो फर्स्ट लिस्ट है इंटरव्यू की वो ओपन हो जाएगी। इसको हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों इंटरव्यू जो होंगे वो होने वाले हैं 27 जुलाई को, ठीक है, सुबह 11 बजे। और यहाँ पर आपको फिर लिस्ट भी मिल जाएगी, इन लिस्ट को आप चेक कर सकते हैं। उसी तरीके से दोस्तों MFA जो आर्ट एजुकेशन वाला कोर्स था उसकी भी लिस्ट यहाँ पर आ चुकी है। यह M42 वाला कोर्स है, उसके इंटरव्यू 26 जुलाई से होंगे, एक सीरियल नंबर 1 से 30 तक, यानी 30 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया है और टाइम इसका सुबह 11 बजे का है। कोड M40 MFA स्कल्पचर की भी लिस्ट आ चुकी है, उसका इंटरव्यू 25 जुलाई को होगा सुबह 11 बजे, ठीक है, 32 कैंडिडेट को इसमें शॉर्टलिस्टेड किया गया है। कोड नंबर M24 MA अर्ली चाइल्डहुड वाला कोर्स है, उसकी भी लिस्ट यहाँ पर आ चुकी है। MA अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट, इसको हमने सर्च किया तो यहाँ पर देखिए M24 की जो आपकी यहाँ पर इंटरव्यू के बाद, यहाँ पर 8 जुलाई को इंटरव्यू की लिस्ट आई थी, उसके बाद इंटरव्यू के बाद जो कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए हैं उनकी लिस्ट यहाँ पर आ चुकी है। इनको आप चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से कैंडिडेट इंटरव्यू में क्लियर हो गए हैं और एडमिशन के लिए सक्सेसफुल हो गए हैं। ठीक है, यहाँ पर एडमिशन फॉर्मेलिटीज 25 से 27 जुलाई तक कंप्लीट करनी है आपको, और फिर यहाँ पर कट ऑफ चेक कर सकते हैं आप। फिर नीचे सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद कोड नंबर M22 MA डेवलपमेंट कम्युनिकेशन, एक मिनट, यहाँ पर MA डेवलपमेंट कम्युनिकेशन सेल्फ फाइनेंस वाला कोर्स है, इसको सर्च करेंगे तो इसकी जो लिस्ट है वो भी आप चेक कर सकते हैं, यानी इंटरव्यू के बाद जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड हुए हैं उसकी लिस्ट यहाँ पर आ चुकी है। और दोस्तों लास्ट में जो एक बहुत ही फेमस कोर्स है BEd, बैचलर सेलेक्ट करा, B22 सेलेक्ट करा, BEd, यहाँ पर सर्च किया तो यहाँ पर BEd की जो हिंदी इंग्लिश मीडियम वाली लिस्ट है और उर्दू मीडियम वाली लिस्ट है दोनों आ चुकी हैं। सपोज़ हमने हिंदी इंग्लिश मीडियम वाली लिस्ट ओपन कर ली है तो इसको पहले हम डाउनलोड होने देते हैं। इस लिस्ट में बताया जा रहा है कि कौन कौन से कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड किए गए हैं, कट ऑफ क्या गई है, एडमिशन डेट क्या है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायरमेंट हैं एडमिशन के टाइम पर। बात अगर करें इसकी एडमिशन की डेट की तो 29 जुलाई से 30 जुलाई तक आपको इसकी एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करनी है। ये हिंदी इंग्लिश मीडियम वाला कोर्स है, ठीक है, यहाँ पर डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट आप चेक कर सकते हैं कौन कौन से हैं। और फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पर बताया गया है सेकेंड लिस्ट, यदि अगर सीट्स बचती तो 2 अगस्त को आएगी। फिर उसके बाद और नीचे आएंगे तो यहाँ पर हिंदी इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट इंग्लिश वालों की कट ऑफ यहाँ पर मिल जाएगी आपको, और उसके बाद सेलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट मिल जाएगी उनकी, ठीक है। फिर नीचे आएंगे तो हिंदी इंग्लिश मीडियम में हिंदी सब्जेक्ट वालों की कट ऑफ और फिर सेलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट मिल जाएगी। उसके बाद कॉमर्स सब्जेक्ट वालों की, कॉमर्स के बाद यहाँ पर बारी आती है हमारी इकोनॉमिक्स की, और फिर यहाँ पर ज्योग्राफी और जितनी भी अदर सब्जेक्ट जो यहाँ पर अवेलेबल थे सबकी लिस्ट यहाँ पर आ चुकी है, उर्दू इंग्लिश हिंदी मीडियम में भी और उर्दू मीडियम का भी आप इसी तरीके से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट जामिया मिल्लिया इस्लामिया के BEd और अदर कोर्सेज़ के रिजल्ट से रिगार्डिंग। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।